स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा जुहू चौपाटी, नाइट व्यू ऑफ जुहू चौपाटी। तो हमारे साथ बने रहिए, जल्दी है आपको चल के दिखाते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो जुहू चौपाटी का ये जो है आप देख सकते हैं, जुहू चौपाटी में बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं नाइट व्यू ऑफ जुहू चौपाटी। ये देखिए, ये जो पर्यटक दिख रहे हैं ये फॉरेनर हैं, फॉरेनर भी आए यहाँ पे और घूम रहे हैं जुहू चौपाटी इस टाइम। तो पुलिस सिक्योरिटी भी लगी रहती है यहाँ पे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, जुहू चौपाटी का। तो ये तो शुरुआत है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगभग 8 बजने वाले हैं और 8 बजने का ये नज़ारा। और वो जो आप एलईडी देख रहे हैं समुद्र के बीचों बीच एलईडी है, जो कि मुंबई के सारी चीज़ों को जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ वो देख नहीं रहे यार, फोटोग्राफर जो है घूम रहे हैं, सब आते हैं, लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, यहाँ के चीज़ों को एंजॉय करते हैं यहाँ। और एक चीज़ गलत ये है कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि जो खाया पिया जा रहा है ये इसी पे यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जो कि बहुत बहुत गलत हो रहा है सच में। रियली आई फील वेरी बैड, बिकॉज मतलब आप इंजॉय करने के लिए आए हो यहाँ पे, तो आप इंजॉय करो, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंक कर जाने का मतलब है कि आप बीच को गंदा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। देखिए लोग इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, इंजॉय करने का स्पॉट है, यहाँ पे इंजॉय करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम जहाँ इंजॉय कर रहे हैं वहाँ हमेशा इंजॉय किया जाए, ताकि हम आए कभी तो अच्छा दिखने को मिले, लोग आए बाहर से लोग आए तो भी अच्छा दिखने को मिले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी हम यहाँ पे आए बीच पे घूमें तो कूड़ा कचरा ये जो है, जैसे ये फैला दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो ऐसा ना हो, लोग इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो खैर ये सब चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। राइट जो है, मैं आपको बताया था कि वर्सोवा बीच से कि अगर एक बार अगर जुहू बीच जाऊँगा तो वो दिखाऊँगा। ये लाइट जो है आपको दिख रहा होगा, लाइन से लगा हुआ है लाइट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। और हाँ, आपको मैं और दिखाने वाला हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। ये है जुहू बीच, नाइट व्यू ऑफ जुहू बीच, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, यहाँ लोग इंजॉय कर रहे हैं। आपको लेके चलते हैं और अंदर, हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है। वाह, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये है जुहू बीच, जो कि अरे अरे धसा भाई धसा, सॉरी सॉरी, दलदल टाइप का था। तो ये जो है जुहू बीच का नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे साथ, यानी घुमक्कड़ी ब्लॉक्स के साथ। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा यार, बेहतरीन लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स हैं जो कि फ़ोटो खींचने के लिए रहते हैं, अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो वो आपको जो है अच्छी तरह से फ़ोटो खींच के दे देंगे, उसके कुछ उनके चार्जेज होते हैं। और ये देखिए बच्चों को बहलाने के लिए, इंजॉय कराने के लिए यहाँ पे लोग देखिए कार्टून बन के भी खड़े हुए हैं। देखिए चटाई वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, किराए पे मिलता है, आप किराए पे चटाई ले सकते हैं और बैठेंगे, और बैठने के बाद जो आप इनको वापस कर सकते हैं, कुछ चार्जेज होते हैं इनका, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और देख सकते हैं जुहू बीच काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नाइट व्यू ऑफ जुहू बीच, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो वीडियो में यार हमको यार एक्चुअली क्या, देखो आप कमेंट करो कि क्या देखना चाहते हो मुंबई का, तो मैं जाऊंगा वहाँ दिखाऊंगा। और हाँ, लाइक यार शेयर तो बनता है ना, इतनी जब मेहनत हो रही है तो इतना तो बनता है कि घुमक्कड़ी ब्लॉग्स को आप जो है सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, ताकि
और मेहनत करने का मन करे और मज़ा आए मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें बिकती हैं भाई, गोलगप्पा तो होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गोलगप्पा होना तो ज़रूरी है क्योंकि वो महिलाओं का पसंदीदा। और ये देखिए बहुत सारे आइटम बिकते हैं भाई यहाँ पे, बैग्स हैं महिलाओं के लिए, ये जो है बैग्स वगैरह। ओहो अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी अच्छा होगा क्योंकि इनका भाई लाजवाब बिक रहा है। तो ये है पूरा जो है नाइट व्यू ऑफ जुहू बीच। हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ कोने कोने तक, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने लोग एंजॉय करते हैं। ये देखिए ओ ये भाई साहब। और हाँ ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, मिलन काला खट्टा, श्री राम पाव भाजी, बहुत फेमस ये पूरा दुकान जो है, पाव भाजी, काला खट्टा पाव भाजी, राजस्थानी पाव भाजी का ज़्यादा दुकान है यहाँ पे। तो लोग जो है आपको बुलाते भी हैं, देखो ये बुला रहे हैं कि भाई पाव भाजी खा लो, पाव भाजी खा लो, तो बुलाते भी हैं लोग यहाँ पे। तो लग ही नहीं रहा है कि ये नाइट का व्यू है, जगमगाता एकदम जुहू बीच, खूबसूरत लग रहा है, वाह क्या ब्यूटीफुल है। लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये देखिए लोग लगाए हुए, ये खरीद कर लोग इंजॉय कर। यहाँ पे आप वज़न नाप सकते हो, ये क्या वज़न नापने का मशीन है? अच्छा भविष्यवाणी कितने रुपए? हाँ 30 रुपये, 30 रुपये में भविष्यवाणी, सही है बढ़िया है। तो देख सकते हैं ये 30 रुपये पे में भविष्य, ये 30 रुपये में भविष्यवाणी बता रहे हैं भाई साहब। और ये तो मज़ा आ गया, बचपन के दिन याद आ गए भाई ये सब देखकर, है ना। तो जुहू बीच यानी कि यार मज़ेदार है, बहुत बड़ा है, बसवा बीच तो छोटा है लेकिन जुहू बीच जो है बड़ा है। मैं आपको उधर दिखा रहा था आबादी ज़्यादा, थोड़ा सा लोग कम हो गए हैं, तो सेम ऐसा भी यहाँ भी है कि कम लोग हो गए, बीच में ज़्यादा लोग हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए समुद्र की लहरें जो हैं। तो दोस्तों जुहू बीच पे जब आएंगे आपको खूबसूरती तो इतना दिख ही रही है। तो यहाँ पे एक जो है सिल्वर मैन करके नाम से जो है ये है भाई साहब, जो कि आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट का कदर होना चाहिए। आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो स्टैचू बन के खड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये स्टैचू हैं या फिर इंसान। तो आपको दिख रहा होगा और आप अपनी शिक्षा के अनुसार इनको आप कुछ मदद कर सकते हैं, मदद नहीं इनकी कला के कद्र करके इनको कुछ आप पैसे दे सकते हैं। तो भाई साहब ने दिया और इनके साथ फ़ोटो भी खींचा। तो ये है सिल्वर मैन ऑफ जुहू यानी मुंबई का सिल्वर मैन, देख सकते हैं लोग यहाँ इनके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं एक सेलिब्रिटी की तरह। खूबसूरत अंदाज है इनका, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छी चीज़ है। तो बार बार ये फैमिली मैन, ये जो फैमिली वाले लोग हैं भैया लोग इम्प्रेस हो गए भाई से, तो एक एक करके इनसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बेशक प्यारा नज़ारा है, इनको भी खुशी लग रहा होगा कि यार एक फीलिंग जो होती है कि उनकी कला की कद्र हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और मुंबई में हैं और जुहू बीच पे या कहीं भी मतलब जानने चाहते हैं घूमने के लिए जो स्पॉट है घूमने वाला, तो कहीं भी जाएं तो आप जो है गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी फैलाना बुरी बात है और क्लीन इंडिया का जो मिशन है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी जाएं साफ सुथरे से रहें, जो भी कुछ खाए पिए डस्टबिन बना रहता है उसमें आप डालें तो बेहतर रहेगा। जो इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि ये लोग गंदगी फैला के रखे हैं, ये गलत बात है, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। और हाँ इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।